हिमाचल प्रदेश में समय नेम प्लेट को लेकर विवाद चल रहा है, जहां मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने रेड़ी पटरी ढाबा रेस्टोरेंट मालिकों को दुकान में आईडी लगाने के लिए कहा। वहीं दूसरी तरफ पार्टी ने कह दिया कि नेम प्लेट विवाद को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया। इसी बीच सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने राज्य को नशे से मुक्त करने के लिए अभियान शुरू किया है। सीएम ने रविवार को ऐलान किया कि उनकी सरकार राज्य में नशा मुक्त हिमाचल अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान की मदद से नशीली दवाओं और उनके दुरुपयोग के खतरे से निपटने को लेकर काम किया जाएगा। अभियान के 3 मुख्य बिंदु हैं, जिनमें पहला और सबसे अहम बिंदु है रोकथाम। इसी के बाद नशीली दवाओं का सेवन करने वालों की पहचान दूसरा अहम कदम है। इसके बाद लोगों को नशे की लत से बाहर निकालना इस अभियान का तीसरा सबसे अहम काम होगा। सीएम सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। सीएम सुक्खू ने कहा कि मुद्दा हमारे समाज के सबसे बड़े खतरों में से एक है, जो स्वास्थ्य, सामाजिक स्थिरता और आर्थिक कल्याण पर असर डालता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस अभियान का लक्ष्य अपने आने वाली पीढ़ी को नशे की दलदल से बचाने का है और यह सुनिश्चित करना है कि लोग नशीली दवाओं का सेवन से ना करें। अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकार सक्रिय रूप से काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि अभियान के तहत इंडस्ट्रियल जोन, स्कूल, कॉलेज, प्रदेश की राजधानी और नगर निगम पर अधिक ध्यान दिया जाएगा और बहुत से जागरूकता प्रोग्राम सोशल मीडिया पर चलाए जाएंगे। सीएम ने बताया कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए और पुनर्वासों को समर्थन देने के लिए सरकारी अस्पतालों और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में डिटॉक्सिफिकेशन और काउंसलिंग सेंटर बनाए जाने का विचार है। स्थापना के बाद ये सेंटर लोगों को इलाज करने के लिए ज़रूरी सुविधाएँ देने का काम करेंगे। नशीली दवाओं से जुड़े अपराधों को रोकने के लिए एक स्पेशल फोर्स का भी नियुक्त किया जाएगा। सीएम ने कहा कि अभियान का सही ढंग से आगे बढ़ाने के लिए एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया है और पुलिस अभियान ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी AOP को पब्लिश किया, जो नशे से जुड़े गलत कामों के प्रभाव ढंग से संभालने में अधिकारियों के लिए मददगार होगा। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।